सो वेलकम बैक टू सिनॉप्सिस। आई एम कृष्णा। इस लेक्चर में हम एग्रीकल्चर के लिए MSGP यानी कि प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं, जहां पर हम देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से रिपीट होते हैं, प्लस एलिमिनेशन कैसे काम करता है और एलिमिनेशन से पहले नॉलेज कैसे काम करती है। इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हम देखेंगे इनपुट से रिलेटेड क्वेश्चंस, जिसमें बेसिकली फर्टिलाइज़र, पावर, इरीगेशन, सीड्स, ये चार पाँच चीज़ें आती हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो टेक्नोलॉजी जो मिशन है वो भी इसी में आ जाएंगे। तो 2021 का क्वेश्चन बोलगार्ड 1 बोलगार्ड 2 के ऊपर है। देखो बाकी सारी चीज़ें एक तरफ, पहले मैं आपको ये बता दूं ये क्वेश्चन रिपीटेड है। 2001 में BT के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, तब भी BT कॉटन न्यूज़ में थी, ठीक है। इस एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेना, इसका आंसर BT है, बैसिलस थुरिंजिनेसिस, BT कॉटन, GM क्रॉप्स वगैरह हो गई, BT कॉटन, ये क्वेश्चन है। तो आपको ये चीज़ें तो पता होनी चाहिए। साइंस टेक में हमने इसे कवर किया, ज्योग्राफी में भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसका आंसर आपको देखते ही तुरंत पता होना चाहिए था कि GM क्रॉप है, GM कॉटन का एक वेरिएंट है बोलगार्ड कॉटन, राइट। अब देखो एक दो चीज़ें और मैं बता दूँ, जब आप एलिमिनेशन करना चाहते हो तो कई बार, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखोगे जब हम लोग क्वेश्चन पेपर बनाते हैं एंड ऑप्शन सेट करते हैं, तो सिमिलर सी दिखने वाले स्टेटमेंट दिखेंगे आपको, उनमें आपको आंसर मिल जाएगा। इनको कुछ लोग सिस्टर स्टेटमेंट कहते हैं, कुछ लोग सिमिलर स्टेटमेंट कहते हैं, ये दोनों बहनें हैं। ये क्रॉप प्लांट हैं, ये मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट हैं। अब इसमें एक दिक्कत है, अगर आपको ये पता भी है ना कि ये GM कॉटन वगैरह है, ठीक है, एंड आप इसमें कन्फ्यूज़ हो गए कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है या फिर क्लोन है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। क्लोन एक अलग टेक्नोलॉजी है, GM एक अलग टेक्नोलॉजी है, दोनों अलग टेक्नोलॉजी है। UPSC ने क्लोन भेड़ के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे हैं, ह्यूमन क्लोनिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं, राइट, एंड GM कॉटन, GM क्रॉप्स, इनके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मैं आपको यही कहूँगा बेटर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार एटलीस्ट पढ़ जाओगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा ये न्यूज़ में क्यों है। GEAC अप्रूव कर चुकी थी बेसिकली, राइट, दीज वर अप्रूव्ड फॉर कमर्शलाइजेशन। BT कॉटन है जो सिंगल जीन टेक्नोलॉजी है, बाकी अगर आपको पढ़ना है तो एक बार आप पढ़ जाना। कंटेंट बायो फर्टिलाइजर क्वेश्चन में था तो उसके ऊपर लिखते हैं, राइजोबियम एक इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फर्टिगेशन से रिलेटेड। फर्टिगेशन हुआ एंड ड्रिप इरीगेशन, ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो इकोनॉमिक सर्वे में न्यूज़ में रही हैं इकोनॉमिक सर्वे की वजह से। फर्टिगेशन अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा फर्टिलाइजर प्लस इरीगेशन, ठीक है, पानी में ही आप फर्टिलाइज़र मिला के दे रहे हो, उससे क्या होगा, फर्टिलाइज़र की क्वांटिटी रिड्यूस हो जाएगी। अब ये ऑप्शन जो दिए हैं डायरेक्टली, हो सकता है आपने ये सारे ऑप्शन ना पढ़े हो, बहुत सारे बेनिफिट, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, बट कौन से ट्रू हैं कौन से फॉल्स हैं वो समझना पड़ेगा। बेसिकली जब ऐसे क्वेश्चन हैं, आप देखो चार स्टेटमेंट हैं एंड सब में तीन 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 स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब बेसिकली इस क्वेश्चन को आप कैसे कंसिडर करोगे, इनमें से कौन सा एक गलत है बस वो ढूंढ लो, बाकी तीन सही है बस। अगर आप गलत स्टेटमेंट ढूंढ लेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत छोटा और बहुत आसान है। अब देखते हैं गलत क्या है। एल्कलिनिटी ऑफ इरीगेटेड वाटर, ये पॉसिबल है, शायद हो। फर्टिगेशन एक क्या टेक्नोलॉजी है, न्यू टेक्नोलॉजी, तो कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें करने के लिए बनाई होगी, कुछ शॉर्टकमिंग्स होंगी उनके लिए हेल्पफुल होगा। देखो इस क्वेश्चन में बेसिकली है कि है, मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, मुझे अगर मैं इसको एग्ज़ाम मोड में सॉल्व करने बैठूं तो इसे सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर मैं ये थोड़ा सा ट्राई करता हूं कि एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ दिस एंड ऑल अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र इज़ पॉसिबल, तो ये थोड़ा सा एक्सट्रीम चीज़ है। फर्टिगेशन ठीक है, एक टेक्नोलॉजी है, कुछ नया काम कर सकती होगी, रॉक फॉस्फेट तक तो ठीक है, लेकिन ऑल अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र सबको कर देगी, कितने फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र हैं, वो थोड़ा सा एक ट्रिकी ऑप्शन हो जाता है। तो इसको हम एलिमिनेट जैसे ही करते हैं वैसे ही 2 2 2 यहाँ से जाके सी आंसर आ जाता है। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा मेरे हिसाब से। आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है, नॉट करेक्ट के मेथड में देखो। फर्टिगेशन के बारे में आप डिटेल में पढ़ लेना, डेफिनेशन इसकी यही है, विद इन इरीगेटेड वाटर बाई ड्रिप सिस्टम। अब ड्रिप इरीगेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आया है, बस उसमें ये देखना, उसमें भी सैलिनिटी ऑफ वाटर की बात की है, बस वो ड्रिप इरीगेशन के बारे में है या फर्टिगेशन के बारे में, दोनों में डिफरेंस है। देखो UPSC ने थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा तो बनाया है दोनों क्वेश्चन को, अभी ड्रिप इरीगेशन वाला क्वेश्चन आएगा हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है विद रेफरेंस टू केमिकल फर्टिलाइजर्स इन इंडिया, इंडिया की बात कर रहा है, कंसीडर फॉलोइंग, इनमें से करेक्ट कौन सा है। इसमें एक स्टेटमेंट ट्रू है, यहाँ एक है, यहाँ दो स्टेटमेंट ट्रू है, या तीन स्टेटमेंट ट्रू है, तो बेसिकली आपको इंडिविजुअली सब पता होनी चाहिए। चलो सॉल्व करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर एट प्रेजेंट
रिटेल प्राइस इज़ मार्केट ड्रिवन एंड नॉट एडमिनिस्टर्ड बाई गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है, ये नॉलेज है। इसमें एलिमिनेशन आप लगा लो अलग बात है, बट एक नॉलेज है। आपने देखा होगा, इनफैक्ट आज के न्यूज़पेपर में भी है कि नेचुरल गैस का प्राइसिंग जो है उसे हम अब अलग तरीके से कैलकुलेट करेंगे। जो दूसरी कंट्री हैं जिनके पास पहले सरप्लस नेचुरल गैस होती थी, उनके प्राइस के बेस पर हम प्राइस बना लेते थे। तो इंडिया ने कहा नहीं नहीं इंडिजिनस प्रोडक्शन के बेस पर भी हम कर सकते हैं, वैसे करेंगे। फर्टिलाइज़र के केस में आपने पढ़ा होगा, भारत फर्टिलाइज़र आ रहा है, वन नेशन वन फर्टिलाइज़र। तो ये सब क्या गवर्नमेंट एडमिनिस्टर कर रही है, एडमिनिस्टर्ड प्राइस फॉर पेट्रोलियम, डीजल, नेचुरल गैस, फर्टिलाइज़र्स, ये चीज़ हमेशा न्यूज़ में रहती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, एक नॉलेज वाली चीज़ है। नहीं पता तो फिर मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन आप कैसे करोगे, एलिमिनेशन से मत करना, ये नॉलेज है। दूसरा अमोनिया, हेबर प्रोसेस हमने पढ़ा है, नेचुरल गैस से बनती है। अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो फिर मैं यही कहूँगा कि जो छठी सातवीं आठवीं या नवीं क्लास की NCERT है वहाँ ये चीज़ें लिखी होती है। कुछ बेसिक गैसेस के बारे में तो पता होना चाहिए। अमोनिया नेचुरल गैस से बनती है, ठीक है। टू यहाँ पे आपको तीनों स्टेटमेंट में दिख रहा है। एंड सल्फर, ये विच इज़ रॉ मटेरियल फॉर फॉस्फोरिक एसिड, इज़ बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी। देखो ऑयल रिफाइनरी में ना बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, बट उसमें सल्फर भी निकलता होगा, नहीं निकलता होगा, आई एम नॉट श्योर। लेकिन देखो अब तुक्केबाजी करनी तो कर लो भाई, शायद निकल जाए, थोड़ा बहुत सल्फर निकल जाए। तो अगर हमें एग्ज़ाम मोड में करना है तो इसे 2 और 3 करेंगे, अदरवाइज मैं इस क्वेश्चन को रिलेटिवली टफ साइड रेट करूँगा। इसको एग्ज़ाम में सॉल्व करना इतना भी आसान नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एटलीस्ट नॉलेज मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि 1 और 2 एटलीस्ट आप पढ़ के जाओ। इसका आंसर बी है, ठीक है। फर्टिलाइज़र न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम से लेके आज तक जो चीज़ें चल रही हैं आप एक बार पढ़ लेना पॉज करके। देन अमोनिया प्रोडक्शन, जो मैंने हेबर प्रोसेस की बात की थी वो ये है। फिर सल्फ़र कैसे आते हैं, सल्फ़र बेसिकली नेचुरली आती है। मुझे भी ये याद था कि सल्फ़र एक नेचुरल इन्वायरमेंट से आती है, बट इससे भी आती है नहीं, हो सकता है आती हो। उस केस में अगर मैं इसे गलत कर देता तो फिर इसका आंसर 2 ओनली कराता। तो ठीक है, ये चीज़ें होंगी आपके साथ, आते हुए क्वेश्चंस भी रॉन्ग करोगे, या जो चीज़ें थोड़ी थोड़ी आती है या नॉलेज नहीं है हमें क्लियरली, वो गलत होंगी। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इन चीज़ों को कम करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया 20 सिली मिस्टेक्स, ये देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। हो सकता है ये ऊपर के 3 वीडियो या 4 या 5 वीडियो, ये 5 वीडियो, बाकी सब तो ठीक है, ये सब तो सबको ही सिखा रहा है। ऊपर के 5 वीडियो हो सकता है आपको प्रीलिम्स में इस पार से उस पार ले जाए, तो ज़रूर देख लेना, ठीक है। इन बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर द एडवांटेज, एडवांटेजेस मतलब एक भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, ऑफ प्रैक्टिसिंग ड्रिप इरीगेशन। क्या है मतलब, एक तो ये कर देते हैं, लैंग्वेज थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना के आपको मेंटली परेशान करने की कोशिश है। अभी हमने देखा था 2020 में क्वेश्चन था फर्टिगेशन के ऊपर, उसमें भी सॉइल एल्कलिनिटी की बात की थी, यहाँ सॉइल सैलिनिटी की बात की है। अब यहाँ आप देखो ऑल ऑफ द एबव नहीं है, ये भी एक न्यू टेक्नोलॉजी है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा होता, इनफैक्ट 2016 में मैंने अटेम्प्ट दिया ही था, सॉल्व किया था, तो 1, 2 और 3 होता, मैं कर देता कि हाँ शायद होता होगा। ड्रिप इरिगेशन से वीड कम होता है, हो जाएगा कम, क्योंकि अगर मैं सोचूं पानी आपने थोड़ा कंट्रोल कर दिया तो जो घास फूस है उसको शायद वाटर ना मिले, वो सूखने लगे, कम हो जाएगा। सॉइल सैलिनिटी, अब इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण तो नहीं है, सबने UPSC के आंसर आने का वेट किया, उसके बाद अपने एक्सप्लेनेशन बनाए, तो मैं भी अपना एक एक्सप्लेनेशन बना देता हूँ। इन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, UPSC ने कहा ऐसा नहीं होगा। और सॉइल इरोजन में तो रिडक्शन हो गई, पानी कम होगा तो ठीक है, तो 1 और 3 तो है ट्रू। अगर एग्ज़ाम में आपको दिख रहा है तो या तो 1 और 3 है, अच्छा लेकिन 1, 2 और 3 कहीं ऑप्शन है नहीं, तो इस वजह से आप इसे कर ले जा रहे हो। अदरवाइज अगर 1 और 3 के साथ 1, 2 और 3 होता, 1, 2 और 3, तो यहाँ कन्फ्यूज़न हो जाती इन दो स्टेटमेंट में। तो मेरे हिसाब से ये 1 और 3 तो कर सकते हो आप, ठीक है। अब सॉइल सैलिनिटी देखो बढ़ती कैसे है, मैं आपको थोड़ा बताऊँ इरीगेशन का सैलिनिटी या एल्किनिटी में रोल क्या है। सपोज़ ये कोई एक लैंड है, थोड़ा ड्राई एरिया है, यहाँ पर पानी नहीं है, आपने इरीगेशन की एक्स्ट्रा, पानी नीचे आया, ठीक है। अब टेम्परेचर जैसी बढ़ेगा तो इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन होगा तो क्या है, वाटर इवेपोरेट करेगा और इसके साथ जो नीचे का पानी है वो ऊपर आएगा, पानी इवेपोरेट कर जाएगा और जो ये सॉल्ट हैं ये ब्लैक कलर के पार्टिकल मान लेते हैं, ये यहीं रह जाएंगे, हालांकि वाइटिश होते हैं सॉल्ट, ठीक है। तो उस वजह से सैलिनिटी बढ़ जाती है। तो इरिगेशन की कोई भी फॉर्म हो उसकी वजह से सैलिनिटी बढ़ती है ना कि घटती है, चाहे वो ड्रिप इरिगेशन ही क्यों ना हो।
ये भी इकोनॉमिक सर्वे का ही पॉइंट था, उस साल 2-3 क्वेश्चन पूछे थे इकोनॉमिक सर्वे से, उसमें से एक ये भी है, ठीक है। बट इस स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन के लिए तो सबने यूपीएससी के आंसर के आने का वेट किया, ठीक है। ये भी एक इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन, नीम कोटेड यूरिया। अब ये सर्वे में डायरेक्टली लाइन लिखी थी, वहीं से उठा के इन्होंने पूछ लिया कि नीम कोटिंग स्लोज डाउन द रेट ऑफ डिसॉल्यूशन इन द सॉइल। तो ये ऐसा नहीं है कि आपने सर्वे पढ़ना होता है 1200 या 600 पेज का, जो भी जिस साल आ रहा है, समरी पढ़ लो, उसमें भी लिखा होता है। एंड मेरे ख्याल से हर एक कोचिंग ने कवर किया था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी होती है। इनफैक्ट आज की डेट में भी एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, तो आप इस पर नीम कोटेड यूरिया पे थोड़ा और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ ले, राइट। इसके बारे में आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। नीम कोटिंग बेसिकली डिसॉल्यूशन को रोकने के लिए बनाई जाती है। करते कैसे होंगे नीम कोटिंग, सपोज ये यूरिया पार्टिकल है, इसके ऊपर नीम की कोटिंग कर दी इस तरह से, तो डिसॉल्यूशन रुक गया, एक लेयर आ गई ना एक्स्ट्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये ऐसी चीज़ है जो हम कहीं नहीं पढ़ते, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत इकोनॉमी आती है, इकोनॉमिक्स आती है, तो आप कर लोगे। स्टील फॉर वुडन प्लो, पहले लकड़ी के हल होते, हल जानते हो ना, वो ऐसे ऐसे होते हैं इस टाइप के कि ये बैल चला रहे हैं, आदमी खींच रहा है। तो अब ट्रैक्टर पे स्टील वाले प्लो हैं, तो इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पहले लकड़ी के हल होते थे, अब हम स्टील के हल या प्लो ले आए, वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? लेबर ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजी नहीं है, कैपिटल ऑगमेंटिंग पैसा लगा दिया, कैपिटल रिड्यूसिंग नहीं है, तो इसका आंसर बी है। तो बस ये पता होना चाहिए आपको, क्या बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या ही है, मतलब क्यों पूछा है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता किसी ने भी गलत किया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं बेसिकली, बस इनमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये वैसा ही क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था कि पेपर में पूछा उन्होंने कि 1919 के रिफॉर्म्स किस बारे में थे, ऑप्शन में चार दे दिया, पुलिस रिफॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म, फलानी रिफॉर्म। अब मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि इस वजह से थोड़ी तैयारी करी थी यूपीएससी के, तो इस चक्कर में भी हम कई बार क्वेश्चन गलत करते हैं। फिर सीड विलेज कॉन्सेप्ट, इस टाइप के क्वेश्चन उस साल कुछ करंट अफेयर्स में रहा होगा, ठीक है। तो अब ऐसे जो क्वेश्चंस अगर आते हैं तो बढ़िया, नहीं आते तो देखो कुछ एलिमिनेशन हम ट्राई कर सकते हैं। इनकरेजिंग द फार्मर्स टू यूज़ देयर ओन फार्म सीड, ठीक है, कर सकते हो। एंड डिस्करेजिंग टू बाई द सीड फ्रॉम अदर्स, पहली लाइन तो ठीक है, हो सकती है ट्रू, बट दूसरी लाइन ज़्यादा नेगेटिव है। देखो एलिमिनेशन का रोल होता है और एलिमिनेशन टेक्निक्स गलत भी होती है, लेकिन इतनी भी गलत नहीं होती, कहीं ना कहीं चीज़ें काम करती हैं। उस वे में ही यूपीएससी का जो पेपर है सेट किया जाता है। आपको क्या लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इसमें क्यों फेल हो गया यूपीएससी के प्रीलिम्स में? इसी वजह से, क्योंकि थोड़ा आपको दिमाग चलाना होता है, और वो जो टेक्नोलॉजी है दिमाग वाली, वो अभी तक एआई में फीड तो नहीं की हमने, जिस दिन वो डेटाबेस फीड कर देंगे चल जाए। अब बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। पहला तो मेरे हिसाब से गलत है, फार्मर फॉर ट्रेनिंग क्वालिटी एंड सीड प्रोडक्शन मेकिंग अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी सीड, ठीक ठाक पॉइंट लग रहा है, हो सकता है ठीक हो। देन कुछ विलेजेस को एक्सक्लूसिवली प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड सीड के लिए रखना है, देखो देखने में थोड़ा एक्सट्रीम सी चीज़ लगती है, लेकिन पता नहीं क्या है सीड विलेज कॉन्सेप्ट। गवर्नमेंट की कोई स्कीम होती तो एक बार को मान लेते, तो हो सकता है कि ना हो, हो सकता है हो। आइडेंटिफाइंग द एंटरप्रेन्योर्स इन विलेज एंड प्रोवाइडिंग दम टेक्नोलॉजी फाइनेंस टू सेटअप सीड कंपनी, मैं होता तो शायद बी और डी में कन्फ्यूज हो जाता, मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या है, आंसर इसका बी है, बस तो रट लेना एज सच, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो इसमें सॉल्व, मैं बहुत ज़्यादा इसमें डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ यूट्यूब पे, एक आधा पेड पोर्टल में हम और इस पे लेक्चर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ये वीडियोस आप देख सकते हो सिनॉप्सिस आईएएस के जो कोर्सेज हैं, एमएसजीपी एंड दिस हिंदू कोर्स चल रहा है, बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, इसको आप रेफर करो दूसरों को, एंड इस कोर्स को आप एब्सोल्युटली जीरो अमाउंट पे अचीव कर सकते हो, बस शेयर करके स्क्रीनशॉट मेल आईडी पर मेल कर देना। ये वीडियोस हैं देख लो, एंड स्टार्टिंग के 5 वीडियोस ज़रूर देख जाना, कोई भी भाई साहब नहीं बना रहे इन टॉपिक्स पे वीडियोस, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।